सतगुरां दी अपार बख्शिश रहमत कृपा दा सदका जो हर दासन की उस्तत है सा हर की वड्याई महापुरखां दी संगत नूं उन्हां दे बचनां नूं उन्हां दे कीर्तन नूं चेते करदिआं होइआं आप जी सारियां संगतां गुरु दे रंग विच रंगे बैठे हो आओ जिन्ना कु समां गुरु पातशाह जी बख्शिश कर रहे ने मन मिरतियां नूं सुरत नूं एकाग्र करके गुरु पातशाह जी दे चरणां दे नाल जुड़न दा यतन करिए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जो सानू सभना नूं उपदेश बख्शिश कीता है उन्नू सुनना समझना ते उहदे विच ही समा जाना उहदे विच ही लीन हो जाना आओ इस तरह की भावना बना के सारी संगत चौंकड़े लाओ जिथों तक आवाज जा रही है समाप्ति का वेला है आओ महाराज सच्चे पातशाह जी के चरणों में सारे सज जाइए आओ सारे मिल के जपिए जी। वाहे गुरु वाहे गुरु भाग ठुडे हर संत तुम्हारे जिन कर धन हर नामा परवान गणी से ये आए सफल तिना के कमा मेरे राम हर जन के हो बल जाई केसा का कर चवर टुलावा चरण धूड़ मुख लाई संता की होए दासरी एहो आचारा सिखरी संता की होए दासरी एहो आचारा सिखरी संता की होए दासरी एहो आचारा सिखरी सारे जपो संता की होए दासरी एहो आचारा सिखरी सगल गुणा गुण उत्तमो धरता दूर ना भिखरी सगल गुणा गुण उत्तमो धरता दूर ना भिखरी सगल गुणा गुण उत्तमो धरता दूर ना भिखरी
संता की हुए दासरी एहो आचारा सिखरी संता की हुए दासरी एहो आचारा सिखरी एहो मन सुंदर अपना एहो मन सुंदर अपना हर नाम मजीठ रंगरी हर नाम मजीठ रंगरी हर नाम मजीठ रंगरी वाहेगुरु 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 एहो मन सुंदर अपना एहो मन सुंदर अपना हर नाम मजीठ रंगरी हर नाम मजीठ रंगरी त्याग सियाणप चातुरी त्याग सियाणप चातुरी तू जान गोपाल है संगरी 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 संता की हुए दासरी एहो आचारा सिखरी संता की हुए दासरी एहो आचारा सिखरी भरता कह सो मानिए भरता कह सो मानिए एहो सिंगार बनाए री एहो सिंगार बनाए री एहो सिंगार बनाए री एहो सिंगार बनाए री पाओ विसारिए दूजा पाओ विसारिए एहो तंबोला खायरी एहो तंबोला खायरी एहो तंबोला खायरी एहो तंबोला खायरी संता की हुए दासरी एहो आचारा सिखरी संता
ताकी होए दासरी एहो आचारा सिखली शब्द कर दीप को शब्द कर दीप को एहो सत की सेज विशायरी सच की सेज विशायरी एह सत की सेज विशायरी एह सत की सेज विशायरी आठ पहर कर जोड़ रहो आठ पहर कर जोड़ रहो तो पेटे हर रायरी तो पेटे हर रायरी तो पेटे हर रायरी तो पेटे हर आचारा सिखरी संता की हुए दासरी एहो आचारा सिखरी तिस ही चज सिंगार साब चज सिंगार साब तिस ही चज सिंगार साब तिस ही चज सिंगार साब साई रूप अपारी साई सुहागण नानका साई सुहागण नानका जो पानी कर तारी जो पानी कर तारी जो पानी कर तारी जो पानी कर तारी की हुए दासरी एहो आचारा सिखरी संता की हुए दासरी एहो आचारा सिखरी सकल गुणा गुण उत्तमो भरता दूर न पिकरी सकल गुणा गुण करता दूर न बिकरी संता की होए दासरी एहो आचारा सिखरी संता की होए दासरी एहो आचारा सिखरी संता की होए दासरी एहो आचारा सिखरी एहो आचारा सिखरी एहो आचारा सिखरी सारे जप्यो जी मिलके संता की होए दासरी
एहो आचारा सिखरी संता की होए दासरी एहो आचारा सिखरी। परम सम्मान योग जुगो जुग अटल तख्त चवर छत्र दे मालक बाणी गुरु शब्द गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी सदा सुहावी निर्मल गोद विच जुड़ बैठे गुरु प्यारियो, आओ सब तो पहला सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी हाजर नाजरता दा एहसास अपने तुर अंदर बनाउंदिया होया धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे शब्द रूप चरणा ते मत्था धर के सारी संगत फतेह दा सिमरन करो जी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। अज आप जी समुची संगत संत बाबा निरंजन सिंह जी धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी दे दर कर तो वरोसाए हुए महापुरख तिना दे जन्म दिहाड़े नू मुख रखदिया होया गुरु पातशाह जी दे चरणा विच जुड़ के कीर्तन दा गुरु दे बचना दा अमृत छक रहे हो। आओ कुछ कु विचारां दी सांझ सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे चरणा विचों मंग के आपां प्राप्त करिए। विचार दी रिमता तो पहला सारियां संगतां एक बारी मिल के उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु, सारे जपो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु। सतगुरु सच्चे पातशाह जी हुणे हुणे साडे नाल बचना दी सांझ पा रहे सन। महाराज सच्चे पातशाह जी कह रहे सन, संतां की होए दासरी एहो आचारा सिखरी, क्योंकि सिखी दे विच जे सब तो कोई विशेष थां है ते वह विशेष थां सिख दे आचार दी थां है, सिख दे करैक्टर दी थां है, सिख दी अवस्था दी थां है। जिन्हां महापुरखां दे प्यार विच आपां जुड़े हां ना, उन्हां दी अवस्था करके जुड़े हां, उन्हां दी कमाई करके जुड़े हां। जे आपां अज उन्हां नूं धन कह रहे हां ते उन्हां दी कमाई करके कह रहे हां। हुणे आपां अरदास वी सावधान होवांगे, फिर बचन वरतांगे। जिन्हां सिंह सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दित्ते, बंद बंद कटाए, खोपरियां लुहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े, आरियां नाल तन चराए, सिखी सिदक केसां स्वासां संग निभाया, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। इस दा मतलब कमाई, अवस्था, करैक्टर गुरु नानक दे घर विच सब तो उत्तम चीज़ है। मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहिंदे, संतां की होए दासरी। दास शब्द बड़ी बारी आया बाणी च, गोला शब्द बहुत बारी आया बाणी च, सेवक शब्द आउंदा है।
पर सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने इत्थे दासरी शब्द वरत्या है। बहुत ही निमाणी जी निम्रता वाली सोच दी वह बिरती तू अपने अंदर धारण कर। संतां की होए दासरी एहो अचारा सिखरी ते इदां दा अचार उन्हां कोल बैठ के सिख। क्यों ए आचरण सीखण वास्ते इस अवस्था नूं देखण वास्ते समझण वास्ते जीवन विच धारण करन वास्ते संतां दा ही जिक्र क्यों कीता पातशाह जी ने? क्योंकि सतगुरु सच्चे पातशाह जी जानते ने कि संत उस अवस्था का नाम है जेड़ी अवस्था आठ पहर प्रभ बसै हजूरे कहो नानक सही जन पूरे। बाकी तो बाहर चले जाते निकल जाते कनैक्शन तोड़ देंगे संबंध तोड़ देंगे भुल जाते फिर चेता आ जाता। पर संत की पदवी वो है अवस्था वो है जो कुछ भी वो करता है उदी हजूरी विच करता है उदी हजूरी तो बाहर वो जाता ही नहीं ते जिदा वसना जिदा वसेबा ही उदी हजूरी विच हो गया उन्हों फिर कदे वो भुलदा भी नहीं ते महाराज सच्चे पातशाह जी ने फिर उन्हों ही पदवी दिती है। मैं बेनती करांगा दास ने भी आडियो टेप राही महापुरखों का कीर्तन सुनिया है उन्होंने बचन भी पढ़े ने ते सच जाने जदों उन्होंने बचन सुनी दे ने जदों उन्होंने बचन पढ़ी दे ने ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी दियाँ ये पंक्तियाँ आप महारे ही सामने आ जांदियां सारी संगत जपियो की वचन किए ने गुरुदेव पातशाह जी ने। जिन्ना सास की रास न विसरे हर नामा मन मंत्र जिन्ना सास की रास न विसरे हर नामा मन मंत्र जिन्ना सास की रास न मन मंत जिन्ना सास गिरास न विसरे हर नामा मन मंत सारे पढ़ो विसरे हर नामा मन मंत जिन्ना सास की रास ना विसरे हर नामा मन मंत जिन्ना सास की रास ना विसरे हर नामा मन मंत सास की रास ना विसरे हर नामा मन मंत बोलो जी सास की रास न बिसरे हर नामा मन मंत ना सास की रास न बिसरे हर नामा मन मंत तन से सही नानका पूरन सोई तन से सही नानका पूरन सोई संत तन से सही नानका पूरन सोई संत तन से सही नानका
हर नामा मन मंत सास गिरास ना विसरे हर नामा मन मंत सास गिरास ना विसरे हर नामा मन मंत सास गिरास न विसरे हर नामा मन मंत धन से सही नानका पूर्ण सोई संत उनु ना भुलना उनु ना विसारना यही सब तो बड़ा आचार है यही परम अवस्था है जिथे जाके वो कदे भी भुलदा नहीं विसरदा नहीं। ते महाराज सच्चे पातशाह जी कहिंदे संतां की होए दासरी होया नहीं जांदा निमाणे नहीं होया जांदा दास नहीं बनिया जांदा। इस करके ते सारी दुनिया ज्ञानी बनने वाले पासे भजदी है क्योंकि दास बनना औखा है ना सेवक बनना औखा है। महाराज सच्चे पातशाह जी कहिंदे रब दे प्यारियां दी दासरी बन के ए आचार सिख ए चज सिख सगल गुणा गुण उत्तम परता दूर ना पिखरी सारे गुणा तो वड्डा गुण सारे गुणा तो महान गुण उत्तम गुण अपने मालक नूं अपने खसम नूं अपने परमेश्वर नूं कदे भी अपने तो दूर ना समझना। सारी संगत बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। समा नहीं कि आपां विस्थार च कुछ विचारां नूं कर सकीए कुछ ही मिनट बाकी ने। महापुरखां दे जीवन की एक झलक आपां देखनी है कि संत का हिरदा किहो जिहा हुंदा है क्योंकि शरीर तो उन्हां दा भी साडे वर्गा ही है पंज तत्तां दी देह है साडे वांग भी वस्त्र पहनदे है बोलदे है हसदे है चलदे है पर उन्हां दी अंतर की रहत की है अंदर की अवस्था की है। संत बाबा करम सिंह जी होती मरदान वाले महापुरख जदों उन्हां दा जीवन पढ़िए ते सचमुच माण हो जांदा है कि जिस तरह गुरु नानक दा घर है गुरु नानक दे घर विच सिक्खी दी जरखेज धरती विच पैदा होण वाले महापुरखां दा भी कोई अंत नहीं है बेअंत जीवन दे वो मालक बन जाते हैं। संत बाबा करम सिंह जी महापुरख जल छकाउण दी अपने हत्थी सेवा करदे प्याओ लग्या खूह लग्या आउंदे जांदे राइयां नूं उन्हां ने जल छकाउणा पानी पिलाउणा ध्यान देना पर जिस नूं भी जल छकाउंदे जिहदे भी बुक विच पाणी पाउंदे नाल ही कहना अपनी रसना तों बोल वाहिगुरू नाम जपाई जाणा जन नानक धूड़ मंगै तिस गुरसिख की जो आप जपै अवर है नाम जपावै। राइयां ने मुसाफरां ने लंघना जल छक के प्यास बुझा के चले जाना। अज जदों महापुरख जल वरतौण दी सेवा कर रहे ने एक नौजवान जल छकण दी तांग नाल उहनां दे कोल आउंदा है उहदे वस्त्र पुराने ने शरीर बड़ा कमजोर है
ते जल छकण वास्ते उन्हें हाथ बुक मना के अगे किते ने। संत बाबा करम सिंह जी अपनी धुन विच मस्त ने, ते महापुरख कहन लगे सजना बोल वाहिगुरू तेरी बुक विच मैं जल पा देवां, उस वाहिगुरू का शुक्र कर। महापुरखां ने नहीं देखिया उहदे शरीर वल, नहीं देखिया उहदे वस्त्रां वल, नहीं देखे उहदे हाव भाव, क्योंकि हजूरी विच वसदे ने, ते जिहड़े हजूरी विच वसदे ने ਉਹ ਸਵਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮਿੱਤਰ ਸਤਰ ਜਾ ਕੇ ਏਕ ਸਮਾਨੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਆ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣੀ ਗੋਤ ਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। पर संत की अवस्था की है? वो एक नूं ही जानदा है, दूजे नूं किसे नूं जानदा ही नहीं। जदों आपां गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी दे बचन पढ़दे हाँ तो महाराज सच्चे पातशाह जी भी पवित्र बाणी विच यही बचन करदे आ। संगत प्यार वाली बैठी है, ये अवस्था मंगनी है महाराज दे चरणां विचों सच्चे पातशाह। मैं जिन्हों भी जाना तेरे करके जाना, तेरा रूप जाना, ता ही तो उन्होंने वचन किए सारे पढ़े प्यार दे नाल। तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहेबा, तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहेबा, तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहेबा, तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहेबा। सारे जपो जी, पढ़ते हैं ना सारे, जी जंत सब सरण तुम्हारी, सर्ब चिंत तुद पासे, जो तुद भावै सोई चंगा, एक नानक की अरदासे। तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे, मैं तेरे तो बिना जानदा ही नहीं किसे नूं। महापुरखां ने जदों जल छकाउण दी सेवा निभाउणी चाही ते महापुरख कहिंदे सज्जणा बोल वाहिगुरू, कहिंदा बाबा जी वाहिगुरू नहीं मैं कहना, जल छकाउणा छका दो नहीं ते मैं चलिया। हुण भांडा भरिया होया सी, कोट कोट अग काटन हारा, दुख दूर करन जी के दा तारा। जे साडे वर्गा हुंदा ते कहिंदा चल भाजा, जे तू वाहिगुरू नहीं कहना ते कोई नहीं इत्थे तेरे वास्ते लंगर, कोई प्रशादा नहीं, कोई जल नहीं, चल दौड़ जा इत्थों। पर महापुरखां दा सुभाव पता की है, जेड़े मन करके डिगे हुए ने उन्हां ते ज्यादा दया करदे ने। समझो बेनती, तन करके ते दुनिया डिग जाए ते दुनिया दे लोग चुक लैंदे आ,
पर जे सुरत करके कोई डिग जाए, मन करके कोई डिग जाए, करैक्टर करके कोई डिग जाए तो लोग अपने बच्चों तक नूं भी घरों कढ दिंदे आ, जा तू तो करैक्टर करके मन करके डिग गया। पर महापुरखां दे हिरदे विच किन्नी दया हुंदी है, वो जदों देखते ने कि कोई सुरत करके डिग पिया तो उहदा फिर दुख दूर करन वास्ते उहनूं जी दान दिंदे ने, जी दान दे भगती लाए ना हर सिउं लैन मिलाए। महापुर कहिंदे सज्जणा इदां नहीं बोलीदा, बंदा अपने घरदिआं नाल रुस जे, रिश्तेदारां नाल रुस जे, मित्रां दोस्तां नाल रुस जे ते कोई बहुती वड्डी गल नहीं, पर जिस परमेश्वर ने जन्म दिता तैनूं संसार ते भेजिआ है, ये अमोलक दे दिती है, उहदे नालों टुट के उहदे नालों विसर के सरना नहीं। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। वाहिगुरू नानक जिस बिन घड़ी ना जीवना, विसरै सरै ना बिंद, तिस स्यों क्यों मन रुसी है, जिसै हमारी चिंद, उहदे नाल क्यों रुसदा है। जिहड़ा अठे पैर साडा भला ही चाहुंदा है, महापुरखां ने इस तरह के बचन करद्या करद्या ना उहदा मोढा थापड़िया ते उहनूं नाल तुरद्या तुरद्या स्थान ते लै गए, जा के इशनान कराया, अपने हत्थी लंगर छकाया ते जदों उस नौजवान ने लंगर पानी छक लिया ते महापुरख कहिंदे सज्जणा तू कहिंदा सी मैं वाहिगुरू दा नाम नहीं जपना, कारण की है। कहन लगा बाबा जी उस परमेश्वर ने उस वाहिगुरू ने मैनू दिता ही की है, देख ना मेरे कोल रहण वास्ते घर है, ना मेरे कोल छकण वास्ते चंगा भोजन है, ना तन ढकण वास्ते चंगे कपड़े ने, ते मैनूं रब ने दिता ही की है, जो मैं उहदा शुकर करां उहदा नाम जपां। हुण महापुरखां ने जुगत नाल उहदा जीवन बदलना है। कपड़े बदलाउण वाले बड़े मिल जाणगे गुरमुखो, ते तुसीं बदल भी बड़ी छेती लैंदे हो। किसी की आवाज़ पसंद हो गई ते पग उदां दी बन ली, किसी दीआं गल्लां चंगीआं लगीआं ते कपड़े उदां दे पा ले। कपड़े बदलाने तो बड़े सौखे है, पर किसी का जीवन बदलना बड़ा औखा है, तो जीवन साधु ही बदल सकता है। ता ही महाराज सच्चे पातशाह जी ने पवित्र बाणी विच बचन किए ने, सारे पढ़िए एक बारी प्यार दे नाल। एह निशानी साध की, एह निशानी साध की, एह निशानी साध की, एह निशानी साध की, सारे बोलो एह निशानी साध की, एह निशानी साध की, जिस भेटत तरी है, जिस भेटत तरी है, एह निशानी साध की, एह निशानी साध की, जिस भेटत तरी है, जिस भेटत तरी है, एह निशानी साध की, एह निशानी साध की, निशानी साध की, जिस भेटत तरी है, दूर चले जाना, पार निकल जाना,
सोचां दे मंडल चों, फिकरां दे मंडल चों, चिंतावां दे, फुरनियां दे, झूठे सुपनियां दे मंडल तों जिहड़ा पार लै जाए, हकीकत दे रूबरू करा देवे, सच नाल जोड़ देवे, सच नाल संबंध बना देवे, ये उन्हां दी निशानी है। इस निशानी साध की जिस भेट तरी है, जम कंकर नेड़ ना आवई फिर बाहुड़ ना मरी है। महापुर कहिंदे सज्जणा आपां सौदा कर लीए भाई, जे तैनूं प्रवान होए लैण देण कर लीए थोड़ा जिहा। मैं बेनती करां गुरमुखो, इत्थे गुरु महाराज दी हजूरी च वी लैण देण हुंदा, लैण देण। संतन सिउ मेरी लेवा देवी, संतन सिउ व्यवहारा, कुछ इत्थों लैणा ते कुछ देणा है, पर कीता की जाए, इत्थे लैण वालियां दी गिनती बहुती है, देण वाला कोई विरला है। जिहड़ा आखे साहिबां मेरे मन ने मैनूं बड़ा तंग कीता है, मन तूं अपने कोल रख लै, मन बेचै सतगुर कै पास ते सेवक कै कारज रास। कहिंदे आपां कोई लैण देण कर लईए, नौजवान सोचदा वी बाबा जी शायद मेरे नाल मजाक कर रहे ने, मेरे कोल ते कुछ है ही नहीं देण वास्ते। कहिंदा बाबा जी मेरे कोल ते कुछ है ही नहीं देण वास्ते, मैं की लैण देण करना है। बाबा जी कहिंदे सज्जणा यही ते तेनों पता नहीं तेरे कोल की कुछ है। जिस दिन सानू भी साढ़े अंदर पिया होया खजाना लभ गया ना गुरमुखो, फिर सानू भी पता लग जाएगा कि सानू रब ने की कुछ दिता है। भिखारियां वाली बिरती तो साड़ी तां ही बन चुकी है, सानू अपने अंदर दे खजाने दे अजे तक दर्शन ही नहीं हुए। बाबा जी कहिंदे आ जिहड़े तेरे हाथ ने ना हाथ, जे मैं तेनों लख दो लख रुपया दिया तो हाथ वढ़ के मैनू दे देगा? कहिंदा ना जी, हाथ चला गया तो बंदा किहड़े काम दा। कहिंदे चल जे थोड़ी जी होर माया दिया तो अपना पैर वढ़ के दे देगा? कहिंदा बाबा जी किहो जिहियां गल्लां करदे हो, ये पैर मुड़ के कितों मिलदे आ? कहिंदे जे तैनूं इस तों भी ज़्यादा माया दे दिया, आ जिहड़े अखां दे जगदे तेरे दीवे ने, अख कढ़ के मैनूं दे सकदा? उठ के तुरन लगा। कहिंदा बाबा जी किदां दीआं भोलीआं गल्लां करदे जे, ये जिहड़े नेत्र ने अखां ने ते लखां करोड़ां दे बदले भी मुड़ के उदां दे बणदे नहीं। महापुर कहिंदे बहि जा, यही गल ते मैं तैनूं समझाउणा चाहुंदा सी, आ हथ आ पैर आ जिहड़ियां अखां तेरे कोल ने, ये तैनूं दित्तियां किन्ने ने? वह देण वाला ते परमेश्वर है, तू उहदा शुक्र क्यों नहीं करदा? सारी संगत बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू श्री वाहिगुरू। जिन कन्न कीते अखी नाक, जिन जेवा दित्ती बोलै तात, ये जिहड़ियां दातां तैनूं पार ब्रह्म परमेश्वर ने दित्तियां ने, जिन तेरी मन बणत बनाई, उठत बैठत सद तिसै त्याई, जिन्हें तेरे शरीर की ये अनूप घाड़त घड़ दित्ती, रचना रच दित्ती, ते तू कहना परमात्मा ने तेनों कुछ दिता ही नहीं? देख ये सुंदर देह, ये तन, ये हाथ, ये पैर, ये अखां उस परमेश्वर ने तेनों दित्तियां है, ते उहदे शुक्र विच आ जा। हुण ध्यान देना गुरमुखो, ये बचन सिर्फ अखड़ां दा जोड़ नहीं है, भी अखर जोड़ के उन्होंने सुनाते, ये बचन उस हिरदे विचों निकले ने जिस हिरदे विच गुरु बैठा है, गुरु का शब्द बैठा है। हुण इह गल्लां कोई सधारण बंदा भी, अज मैं सुनाईया मेरे तो सुन के दो चार नूं तुसीं भी सुना सकदे हो, कि
चंगी गल है, सुनाणियां चाहीदियां, सेवा है। पर महाराज सच्चे पातशाह जी कहिंदे जिन्हां दे हिरदे विच तू वस गया ना, वो भावें बिना बोलन तो ही किसी वल देख लैण ते जीवन पलट देणगे। साध कै संग नहीं कश काल, दर्शन भेटत होत निहाल। पर जे हिरदे विच ओह नहीं बैठा ते फिर भावें अखर जोड़ जोड़ के बोल बोल के जिन्नी मर्जी व्याख्या करी जो असर नहीं होना। भाई गुरदास जी ने बचन किया, वो कहिंदे सतगुर सीखिया दिखिया, दो बचन ने कह के मैं समाप्ति वाले पासे जावां। दोनों बचना च बड़ा डूंगा भेद है। भाई गुरदास जी कहिंदे सतगुर सीखिया दिखिया हिरदै प्रवेश जाहे, तां कि सीख सुन परम पद पावई। एक गुरु की सिख्या है, एक गुरु की दीख्या है, दोनों च फर्क है। गुरु की सिख्या तो सारे संसार वास्ते सांझी है। खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौं वरना को सांझा। दुनिया की किसी भी दिशा चों किसी मजहब का किसी जात का किसी गोत का बंदा आ जाए, उपदेश सारिया वास्ते मौजूद है गुरु घर च, पर दिखिया सारिया वास्ते नहीं है। दिखिया तो लैनी पैनी है। पंज प्यारे अमृत की दात दे के गुरमंत्र मूल मंत्र जो दृढ़ कराते है, वह है गुरु की दिखिया। गुरु धारण करना, गुरु वाले बनना, गुरु के सेवक होना स्वीकार कर लेना, गुरु नाल परण करना, गुरु नाल वादा करना कि मालका मैं तेरा बन गया, मैं तेरा हो गया हाँ। ध्यान देना, सिखिया सारिया वास्ते है, पर दिखिया लैण वास्ते मर्यादा नू जो रहत है उन्हूं दृढ़ करना पैना अपने जीवन च। भाई गुरदास जी कहिंदे जिस गुरसिख दे हिरदे विच गुरु की सिख्या ते गुरु की दिख्या, गुरु का उपदेश ते गुरु की बख्शिश नाम टिक गया, उदी सिख्या नू सुन के उदे उपदेश नू सुन के फिर वड्डे वड्डे पापियां दा भी भला हो जांदा। सारी संगत बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। महापुरखां ने बड़े नवेकले ढंग दे नाल उस सज्जन नूं जगा दिता। ध्यान देना, सुते पए नूं जगाउणा सौखा है, पर जिहड़ा मर जाए उह नहीं मुड़ के जागदा। कई मरे होए भी ने, उह नहीं जागदे। मृतक कहीए नानका, मृतक कहीए नानका जो प्रीत नहीं भगवंत। जिन्हां दे अंदर प्रेम ही मर गया, प्रेम दा सौ जाणा होर गल है, प्रीत का मध्यम पै जाना और गल है, पर जिहड़े प्रेम तो खाली हो गए उन्हां वास्ते बहुत मुश्किल खड़ी है। सुता होया सी, महापुरखां ने मन करके जगा दिता, हाथ जोड़ के कहिंदा बाबा जिन्ने प्यार भरे लहजे विच अज तू मेरे नाल गल्लां कीतियां ने ना, जे तेरे तो पहला इस तरह के लहजे नाल मैनू कोई गल ना ला लैंदा, प्यार नाल मेरे नाल दो बचना दी सांझ पा लैंदा, ते मैं जीवन दे राहां तो कदे भटकदा ना। मेरे कपड़िया नू देख के, मेरी गरीबी नू देख के अज तक लोग मैनू नफरत ही करदे रहे। सो आओ गुरमुखो, महाराज जी कहिंदे संतां की होए दासरी, एहो अचारा सिखरी, सगल गुणा गुण उत्तमो भरता दूर ना पिखरी। जो कुछ भी करना उदी हजूरी विच रह के करिए, उदी हाजर नाजरता दा एहसास सदा अपने मन अंदर बना के रखिए। एहो मन सुंदर अपना हर नाम जिठे रंगरी, अपने इस मन नू परमात्मा दे नाम दे गूढ़े रंग विच रंगो। आओ एक मिनट वास्ते सारी संगत चौंकड़ा लायो,
जो उपदेश गुरु महाराज जी दे रहे ने सारे कृपा करियो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, सुंदर अपना हर नाम मजिठा रंगरी महापुरखों की एक किताब दास कोल पहुंची जिसका नाम है अकथ कथा। संत बाबा निरंजन सिंह जी की कलम लिख रही है। वो कहिंदे गुरमुखो पहला 40 दिन जपो, 40 दिन सिमरन करो, 40 दिन अभ्यास करो, देखो तुहाडे ते किस तरह बख्शिश होएगी, किरपा होएगी। 40 दिन का मतलब यह नहीं कि मुड़ के 41वें दिन भुल जाना, इत्थे पौड़ी चढ़ाउण दा रस्ता हुंदा। गुरमुखो जदों 40 दिन जपोगे ना तो जदों अंदर रस बन गया फिर दिनां दी गिणती पिछे रह जानी है, फिर पता ही नहीं लगना जिंदगी किवें लंघ गई, हल्का हो जाना जीवन, फिर जीवन भार नहीं रहना। महाराज जी कहिंदे इहो मन सुंदर अपना हर नाम मजिठा रंगरी त्याग सियाणप चातुरी तू जान गोपाल हे संगरी। सियाणपां छड दे जिहड़ियां उधारियां कट्ठी करदा अपने जीवन विच, उधारा ज्ञान, फोका ज्ञान, कच्चा ज्ञान, फिक्का ज्ञान, उहनूं छड दे। ते महाराज सच्चे पातशाह जी कहिंदे ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਰਤਾ ਕਹੇ ਸੋ ਮੰਨੀਐ, ਉਹ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਰਬੰਸ, ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੈ, ਸੁੱਖ ਸਨੇਹ ਅਰਪੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕਹਿ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮੰਨੈ। ਭਰਤਾ ਕਹੇ ਸੋ ਮਾਨੀਐ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਮਾਲਕ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਏ ਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾ। ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਵਿਸਾਰੀਐ, ਇਹੋ ਤੰਬੋਲਾ ਖਾਏ ਰੀ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਆਸਣ ਸਜਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਦੀਪਕੋ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕਰ। ਇਹ ਸੱਤ ਕੀ ਸੇਜ ਵਿਛਾਏ ਰੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਇਹ ਸੇਜ ਵਿਛਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰਮੁਖੋ,
कई बारी सुन सुना के आपां भी कह दिंदे आं कि रब्बा आ जा साडे जीवन च, पर उहदे बैठण वास्ते आसन तैयारी कोई नहीं कीता, सेज विछाई नहीं, ते आवाज़ दिंदे आं भी आ जा, दे दर्शन आ के सानूं। गुरबाणी पढ़दे आं जदों ये पंक्तियां आउंदियां ने ना गुरमुखो, ते इन्हां पंक्तियां नूं अपने हिरदे नाल कसाया करो ता कि जन्मां जन्मां की मैल लह जाए। कदे ये सुपना साढ़े अंदर भी बने, मेरे मालका मैं अपने दिल के आंगन विच तेरे वास्ते सेज विछाई है, तू आ इत्थे आ के सदा वास्ते अपने चरण टिका दे। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। ये सत की सेज विछाए रही, आठ पहर कर जोड़ रहो। हुण देखो हंकार कित्थे रह जूगा, जिहड़ा बंदा अठे पैर हथ जोड़ के खड़ा है, जिहड़ा बंदा मालक दी हजूरी विच उहनू हाजर नाजर जान के अठे पैर हथ जोड़ के सेवक बन के गुलाम बन के खड़ा, उहदे नेड़े हंकार कित्थों आ जूगा। उहनू पता मैं सेवक हाँ, उहनू कदे भुलेगा ही नहीं, उह ते दासां दा दास बन जाएगा। आठ पहर कर जोड़ रहो तौ भेटै हर राय री, फिर दर्शन होने हैं। महाराज सच्चे पातशाह जी कहिंदे तिस ही चज सिंगार सब साई रूप अपार री। उहदा ही कीता धर्म दा जिहड़ा सिंगार है, उहदी जिहड़ी अंदर दी निर्मलता है, सुचता है, पवित्रता है, उज्जलता है, वह परमात्मा दे घर विच प्रवान हो जाएगी। साई सुहागण नानका जो पाणी करतार री, वो असल विच सुहागण है, वो रब दा प्यारा संत है, गुरमुख है, जो परमेश्वर दे घर विच प्रवान हो गया। हर के सेवक जो हर पाए तिन की कथा निरारी रे, आव है ना जाहे ना कबहू मरते पार ब्रह्म संगारी रे। वो सेवक जिहड़े उन्नू पा गए उहदे घर विच प्रवान हो गए। सो आओ, समा अपनी सीमा मुका चुका है, उन्हां महापुरखां दे प्यार विच आप जी रंगे बैठे हो, हर कियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां, जिन्हां ने समुच्चा जीवन गुरु की कथा, गुरु की बात, गुरु कियां साखियां, गुरु का इतिहास ते गुरबाणी दा कीर्तन संगतां नूं सुनाया। आ कुछ महीने पहला यूपी समागम सन, ते उत्थे संगत ने सानू दसिया, कहिंदे संत बाबा निरंजन सिंह जी लखनऊ आउंदे हुंदे, ते कहिंदे जदों उन्हां ने आउणा ते उन्हां ने दस देना भाई इन्ने तो इन्ने वजे कीर्तन होना है, लाइटां बंद करके महापुरख कीर्तन करदे, अमृत वेले दीवान सजाउंदे, ते जिहड़ी संगत समय सिर आ जांदी ਉਹ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਲੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਲਾਓ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਦਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਆਓ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ
ਸੰਦ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੀ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹਰ ਨਾਲ ਰੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ ਸਭ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾਰੋ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸਬਦ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਭਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਕਹਿ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਤਤਕਾਰ ਸੁਭਾਗੈ ਹਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੋਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਸ ਪੂਰੇ ਗੁਰਤੇ ਜਾਣੇ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰ ਪੂਰੇ ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਚੰਗੇ ਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚਾ ਧਰਮ ਦੂਰ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ